अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग बनने वाला है। तो आज कितनी तारीख है आसिफ? 12। आज 12 तारीख है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:30। शाम के 4:30 हो गए, पौने पाँच होने आ गए। तो अभी जैसे कि मैं आई हूँ, कहाँ पर आई हूँ आप लोग बताइए मुझे। देखिए यहाँ का व्यू, देखिए व्यू देखिए, माशाल्लाह एकदम हरियाली हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ना गाड़ी की को को को, ना बच्चों की चो 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 कुछ नहीं, एकदम सुकून और एकदम शांति, बिल्कुल भी आवाज नहीं। तो मैं आई हूँ नाला सुपारा, है ना, नाला सुपारा में हमारे भाभी के घर पे आई हूँ मैं। और यहाँ पर आके इतना सुकून मिल रहा है, मतलब एकदम शांत जगह है। जैसे कि अपने माइंड को एकदम फ्रेश करना है, एकदम सुकून चाहिए, तो ऐसी जगह पे आई है। देखिए कितना सुकून है। और इधर पे ठंडा तो इतना है, एकदम ठंडा लग रहा है ना आसिफ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारे भाभी ने यहाँ पर एलोवेरा का झाड़ लगाया है, वो पुदीने का झाड़ है एक। अभी पुदीने पहले आए थे तो उसमें से बाकी के तो वो ये हो गए, यूज कर लिए उन्होंने, खत्म कर दिए। और ये देखिए ये टमाटर का झाड़ है। मैंने पूछी कैसे तुमने टमाटर का झाड़ लगाया, तो बोल रहे थे मुझे कि मैं ऐसे बैठे बैठे टमाटर काट रही थी, तो टमाटर काटते काटते जो टमाटर का पानी होता है ना, वो पानी को मैंने ऐसी कुंडी में डाल दी, मतलब ऐसा गमेले में डाल दी, तो अपने आप इतना बड़ा झाड़ आया, उसमें टमाटर भी आ गए। बताओ तीन टमाटर आए, तीन चार टमाटर, छोटा टमाटर नीचे भी है। और ये इसका है अजवाइन का झाड़, बता अजवाइन का झाड़ी, टमाटे भी दिखाए। तो चलिए अभी मैं आपको हमारे भाभी का घर बताती हूँ। तो ये तो ऐसा हॉल है, हॉल है, ये तो पूरा हॉल है। अशरफ भाई बैठे, अशरफ बैठे, तुम्हारे भाई बैठे यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये फिज्जू भाई। हाँ, ये मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से हमें अंदर आना है, यहाँ पे आने वाले हमारे साथ है ना। ये मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से हम अंदर आते हैं यहाँ पर। ये हॉल है पूरा, फिर हॉल से जाते हैं सीधा इधर पर, वेटिंग निकालेंगे तो इधर पे है बाथरूम और ये है टॉयलेट, अब है ना सिर्फ। हाँ। इधर पे है किचन, चलो किचन तो अच्छा अच्छा खासा बड़ा है। भाभी का काम चल रहा है, भाभी जब से हम लोग आए तब से हमारी सेवा में लगे, अभी पापड़ फ्राई कर रहे और ये है ये बैकरूम, छोटा सा बैकरूम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लाइट दे क्या? नहीं है ना, तो फैन है ये, इधर यही लाइट है, इधर लाइट नहीं है, इधर पहले उजाला रहता है ना। और इधर पे से भी आपको व्यू देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। देखिए बाहर एकदम ग्रीनरी है, ग्रीनरी। हाँ, अभी हम लोग थोड़े टाइम में थोड़ा, अब मैं भी सोच रही हूँ कैसा नाला सुपारा साइड में ऐसा थोड़ा सेट हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे की शांति है। और ऐसी सब जगह पे जैसा होता है ना, वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे की हम लोग यूट्यूबर लोग है, हाँ, है ना, तो हम लोगों को कैसा है, जब वीडियो में आवाज देना रहता है तो हम लोगों को एकदम साइलेंस चाहिए रहता है। आप लोगों को पता है जब मैं अपने घर पर वीडियो बनाती हूँ तो दिन को तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर आवाज देती हूँ रात को 2 बजे 3 बजे, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर इतना मतलब आवाज है। दरवाजे के सामने मैदान है तो काफी बच्चे खेलते हैं, गाड़ी बिरी की भी बहुत ही आवाज आती है ना। और हम लोगों को यूट्यूबर लोगों को ऐसा एकदम साइलेंस जगह चाहिए रहती है। तो मैं आज आपको है ना अपना इनका घर तो बता दी, भाभी का घर बताई, मैं कहाँ आई वो भी बताई, आज आपको है ना मैं नाला सुपारा की मार्केट भी दिखाऊंगी, है ना। कि अभी हम लोग शाम अभी थोड़ा जाएंगे थोड़ा शाम के समय बाहर, तो मैं आपको बताती हूँ सारी चीजें, यहाँ पे नीचे भी कैसा ग्राउंड है वो भी सब बताऊंगी आपको। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। तो चलिए जैसे कि आज है दूसरा दिन, तो कल मैंने जो ब्लॉग को शूट की थी तो वो अधूरा ही रह गया था, क्योंकि हम लोगों को कल जाना था बाहर, तो मगर जाने नहीं मिला, कुछ मेहमान आ गए थे घर पे, तो उन लोगों के साथ में बातें वगैरह करने वगैरह में ही हम लोगों का टाइम चला गया, तो कल का तो ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं हुआ।
थोड़ा सा ही शूट हुआ है वो तो आप तो देख ही लेंगे। तो आज दूसरा दिन है, तो आज हम लोग निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो अभी इडली वगैरह बन रही है, हम लोग सोचे कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर साथ में इडली चटनी बनाकर लेके जा रहे हैं, और ऐसा तो बाहर तो खाते पीते ही रहेंगे। हेलो लाला, तभी यहाँ पर मैं थोड़ा रेडी भी हूँ, और थोड़ा यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं हो रहा है ना, अमन ये इधर का नाला सुपारा का पानी मुझे थोड़ा सूट नहीं हो रहा है, जैसे कि बहुत हैवी लग रहा है और पेट एकदम फूलने लगा है, क्या पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि रहता है ना, हर जगह का पानी अलग अलग होता है ना, हाँ। जैसे कि विक्रोली का पानी अलग, मुमरा का अलग, ऐसा कुछ रहता है डिफरेंट। तो मेरे को इधर का नाला सुपारा का पानी थोड़ा हैवी लग रहा है, आसिफ का भी लग रहा है ना आसिफ, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है मेरा। तो चलिए अभी थोड़ा चूरन ले लेंगे, टाइम चूरन। ये कलर कर करके बाल और व्हाइट हो गए, देखिए अभी थोड़ा बाल कलर भी करने जाना है। मैं तो जाने वाली उधर पे हमारी बॉसिंग सलून पे बाल को कलर करने के लिए, है ना, उसका भी ब्लॉग आपको देखने मिलेगा कि मैं कौन सा लुक चेंज करने वाली हूँ, कौन सा कलर करने वाली हूँ, है ना। चलिए अभी सब रेडी हो रहे हैं, तो फिर मिलते है ना। चलो नीचे करो ना, चेहरा नहीं दिख रहा, फ्लावर का जा रहे फूल पत्तों के बीच फ्लावर का जा रहे हैं। वो सब फ्लावर है जो बड़े बड़े पत्ते हुए ले, ये देखिए एकदम गांव की फ्लावर है, और एकदम खेत से तोड़ के इन्होंने मुझे लेके आए हैं। अगर आपको देखना है कि खेत से अंदर से मैं तोड़ के दिखाने का, दिखाएंगे कि अपने को लेके आए तोड़ के लाए, तोड़ के ले ली, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले कैसा निकाले, क्या निकाले आप, पालक निकाले, एक हमको भी निकाल लेना ना, हमको थोड़ा थोड़ा निकाल, देखो यार देखो, रुको थंबनेल के लिए फोटो लेंगे, रुक जाओ, पालक दिखाता है क्या,
तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं, कौन सा बीच था सिर्फ? बुईगांव बीच। बुईगांव बीच, तो वहाँ पे हम लोगों ने खाने में इडली वगैरह चटनी वगैरह बना लिए थे कि वहाँ पर बैठ के खाएंगे करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना सिर्फ? बहुत अच्छा था ना वहाँ पे, और एकदम शांति थी ना वहाँ पे, एकदम कचकच काव काव नहीं था, जैसे कि अपने जू पे कैसा रहता है, जू पे एकदम कचकच काव काव, हाँ एकदम क्लाउड रहता है। ये देखिए अंदर तक गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, अभी अपन जाएंगे नासिफ तो अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। और ये देखिए इधर पे बहुत लोग मतलब शूट करने के लिए आते हैं, देखिए कितना अच्छा सुमसान लग रहा है। तो ये कौन चला रहा था? अशरफ। अशरफ चला रहा था, मैं और आसिफ भी चला है ना। मैं चला होगा, तुम बैठेगे ना अभी? हाँ मैं बैठूंगी। अब बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। सबसे अच्छी बात तो ये थी ना कि उधर पे पब्लिक ही नहीं थी। और ये देखिए मैं और आसिफ मस्त चला रहे हैं, नहीं आसिफ चला रहा है, मैं बैठी हुई थी। चलो गॉगल लगा के चलाया एकदम, वही फोटो भी खींचे हम लोगों ने, मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था बहुत। अभी ऑफिस एक बार जाने का इरादा है फुल ड्रेसिंग वगैरह लेके। तो ये देखो आसिफ चला के लेकर इतना फास्ट चला रहा था, मैं चिल्लाने लगी आहिस्ते आहिस्ते करके, ये है ना, मस्त लग रहा था एकदम। और एकदम वो अलीबाग के जैसा लग रहा था, अपने एक बार अलीबाग गए थे ना, तो अलीबाग में भी ऐसे लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा रील्स का वीडियो चालू था, तो रील्स पे हम लोग वीडियो बनाते ना, नंबर वन जोड़ी आईडी, हाँ नंबर वन जोड़ी, आप लोग सर्च करेंगे ना नंबर वन जोड़ी तो आपको मिलेगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हाँ। और अगर आप लोग को नहीं मिल रही है तो अफरोज 95 जो मेरी यूट्यूब आईडी है उससे, अफरोज शेख जो इंस्टाग्राम आईडी है उससे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे सनसेट के, इधर सनसेट हो रहा है, दिखाते हम लोग वो उधर है पब्लिक, यहाँ पर अपना बुईगांव बीच है, इधर है सनसेट, इधर 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 ये साइड ये साइड, अरे भाई डूब रहा है सनसेट, ये देखो सनसेट। देखो इधर सनसेट हो रहा है और इधर चांद निकल गए, हाँ। और अम्मी पानी में किधर जा रहे हैं, पहन के लिए हो जाएगी, खड़े रहो ना एक थंबनेल के लिए, फोटो वीडियो बनाने का है, ला तुम्हारा फोन दिखाओ, ये तुम्हारे हॉल में फोटो लेता हो ना ब्लर में। क्या कर रहा है आसिफ भाई? अरे मैं गाना गा तो मिक्स कर लेता, कहीं चिंता क्या हाला, तुम आ गए ना, आ रहे नहीं यार, नेट परफेक्ट है लेकिन मेरे पास बोल रहा है फिर जुदू, बोल क्या, कौन सा गाना गा रहा था जरा, अच्छा अरे फिर छोड़ दिया चप्पल तुम्हारी चाची अब ये चप्पल चोर कौन है बे? एक तो मुझे इतना सारे भाजी के खेत दिख गए, कुछ मत, इतना अच्छा लगा मुझे।
समुंदर और इतना अच्छा जगह है, एकदम मजा आ रहा है। पूछो ही मत, बहुत मजा आ रहा है, मेरा दिल नहीं हो रहा है ऐसे जाने के लिए। इन लोग मेरे को बोले चलो चलो, लोग चार जन मेरे को खींच के ले कह रहे पानी के अंदर से बाहर। मम्मी बाहर ही नहीं आ रहे, बोलते हैं और अंदर जाने का। बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा है। और इधर पर हम लोग ने ब्लॉग वगैरह वीडियो भी शूट किए रील्स के लिए। आप लोग मम्मी के नंबर वन जोड़ी को फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी को, उधर आपको मम्मी के रील्स मिलेंगे। बहुत मजा आ रहा है। एक वीडियो तो हार्ड बना ले, सामी वाला जरूर देखना। और इधर का लोकेशन दिखा तो आपको, देखो झाड़ का रुको में क्या मस्त है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। यहाँ पे जैसे कि आपको फोटो शूट करना है, यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, जैसे कि अपने क्या बोलते हैं आप, कैटर शूट, प्री वेडिंग शूट, बहुत अलग अलग तरह के शूट के लिए आए, प्री बेबी शावर शूट। हाँ तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ, देखो समंदर में लोकेशन देखिए कितना बेहतरीन है। इधर पे शूट तो इतना अच्छा होगा ना। अभी मैं तो ऐसे आई थी वसई में मैं तो ऐसे ही आई समझो। अभी मैं आने वाली हूँ फुल तैयारी के साथ में, फुल ड्रेसिंग वगैरह लेके, उसके बाद में कैमरा मैन और मेकअप आर्टिस्ट के साथ में मैं इधर पे आने वाली हूँ। एक दो फोटो और वीडियो एकदम आग लगा देंगे, उड़ा देंगे। मस्त बहुत अच्छा लगा था। ये तो साइलेंस जगह है। आप संडे तक करके थोड़ी गलती थी, अगर आप मंडे विंडे के दिन आओगे ना तो एकदम खाली मिलेगा ना। नॉर्मल डे में एकदम कम पब्लिक है, 40-50 अंदर तक आप अपनी कार लेके आ सकते हो। कार पार्किंग भी है, मगर आप अंदर भी ला सकते हो कार को। देखो कितने लोग अपनी गाड़ी अंदर लेके आए, हम लोग ने पार्किंग में लगाए। बहुत सुकून की जगह है, सुकून चाहिए तो इधर आइए। मूनलाइट के साथ आप बात तक रुक सकते हो, है ना। चाची दे रहे मूनलाइट फिलहाल, चांद की चांदनी में तुम उजाले में भी और खूबसूरत मजा आ रहा है। चाय पी